गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे अवर टॉपिक इज द बैटल ऑफ प्लासी. व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. जब 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया. द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन ए पपट रूलर. कंपनी जो थी सिराजुद्दौला की शक्तियों से वाकिफ थी, जानती थी, और वो अपना शासक जो थे कठपुतली नवाब को बनाना चाहती थी. हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस. जो चाहती थी कि पपड़ शासक जो है वो उसको सुविधाएं देगा और अन्य जो विशेष अधिकार भी देने का इच्छुक हो, वो ऐसा शासक चाहती थी कंपनी. सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस. उसने ऐसी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई कंपनी. टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला'स राइवल्स बिकेम द नवाब. तो सिराजुद्दौला के जो शासन था उसके जो था उसकी सहायता से उन्होंने जो है वो एक पर्सन की सहायता ली, लेकिन कंपनी जो है वो सफल नहीं हो सकी. एंड इन्फ्रिएटेड सिराजुद्दौला आस्क द कंपनी टू स्टॉप मीडलिंग इन द पोलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन. तो सिराजुद्दौला ने कंपनी से ये कहा कि वो उसके साम्राज्य के अंदर राजनैतिक कामों में दखल अंदाजी ना करें, स्टॉप फोर्टिफिकेशन किलेबंदी को बंद कर दें एंड पे द रेवन्यूज, और वो राजस्व भी पे करें. सिराजुद्दौला ने कंपनी को ये कहा. आफ्टर निगोशिएशंस फेल्ड, जब ये बातचीत उनकी जो है वो असफल हुई, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार. तो नवाब जो था 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी वहां से उसने जो है उनके विरुद्ध मार्च कर दिया. कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी के अफसरों को उसने बंदी बना लिया. लॉक्ड द वेयरहाउस, वेयरहाउसेस को भी तालेबंदी कर दी. डिसआर्म द इंग्लिशमैन, अंग्रेजों के हथियार भी उनसे छीन लिए. एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स, और अंग्रेजों के जहाजों को भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उसमें बाधा पहुंचाई. देन ही मार्च टू कैलकटा, तब वो कलकत्ता की तरफ मुड़ा. टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, वहां पर जो था कंपनी की जो किलेबंदी थी उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए तब वो कलकत्ता की तरफ मुड़ा. ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कैलकटा, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. जब कंपनी को ये पता चला कि कलकत्ता हमारे हाथ से निकल गया है, मीन्स सिराजुद्दौला ने उसको कैप्चर कर लिया है, तो मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो अपनी अध्यक्षता के अंदर री इन्फोर्स द नवल फ्लीट्स, नौ सेना को भी उसके विरुद्ध जो है वो मार्च करने के लिए भेज दिया. प्रोलॉन्ग्ड निगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड. जब बहुत ज़्यादा उनके बीच में लंबी बातचीत हुई, फाइनली इन 1757, तो उसमें बातचीत में उनको सफलता नहीं मिली. तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी. तो प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने सेना को भेज दिया. वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब, तो नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मेन कारण जो था वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर. मीर जाफर के द्वारा जो था उसके ने जो गद्दारी की थी उसके साथ, मेन उसकी हार का ये कारण था. वन ऑफ सिराजुद्दौला'स कमांडर्स, मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का कमांडर था, जो उसके कारण उसकी हार हुई थी. नेवर फॉट द बैटल, उसने जो थी युद्ध नहीं किया था रॉबर्ट क्लाइव के सेना के विरुद्ध जो था. क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट, क्योंकि क्लाइव ने जो था उसके साथ प्रॉमिस किया था मीर जाफर के साथ, बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला.
उसका प्रॉमिस ये था कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। इसीलिए मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की और जो कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव था उसकी उसने सहायता की, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस। प्लासी का युद्ध इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वन इन इंडिया, क्योंकि कंपनी का भारत के अंदर ये सबसे पहली जीत थी, जिसके कारण ये प्लासी का युद्ध जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, जब प्लासी की हार के बाद सिराजुद्दौला वाज एसेसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। सिराजुद्दौला को जो है वो मार दिया गया और मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू मेक सॉरी टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी अभी भी जो थी वो प्रशासन की जिम्मेवारी अपने हाथ में लेने की इच्छुक नहीं थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, इनका मेन मकसद जो था व्यापार को बढ़ाना था। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने सोचा भी अगर ये हमारे जीत के बिना ही ऐसा हो सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय शासकों की सहायता के साथ हु आर विलिंगली टू ग्रांट प्रिविलेजेस देन टेरिटरी नीडेड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली। जो वहाँ के लोकल शासक हैं वो हमें अपनी इच्छा से ही विशेष अधिकार देने को तैयार है, तब हमें साम्राज्य का शासन जो है वो सीधे तौर पर अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज रादर डिफिकल्ट, जल्दी ही कंपनी को यह महसूस होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। फॉर इवन द पपट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी, उन्होंने सोचा कि जो पपट नवाब हैं कठपुतली नवाब हैं वो हमेशा ऐसे नहीं हमारे साथ रहेंगे जैसा कि हम चाहते हैं। वॉन्टेड देम टू बी आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेंटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स, उन्होंने सोचा कि अगर वो अपनी जनता के अंदर अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें जो है वो अपने डिग्निटी मीन सम्मान और सॉवरेंटी प्रभुसत्ता को कायम करने के लिए अपनी प्रजा के बीच में अपना जो है वो होल्ड दिखाना होगा। व्हाट कुड द कंपनी डू, तब कंपनी क्या करती। व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफर ने विरोध किया कंपनी का, द कंपनी डिपोज्ड हिम, कंपनी ने उसको गद्दी से हटा दिया एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस, और मीर कासिम को उसकी जगह पर बिठा दिया। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट, जब मीर कासिम ने उसका विरोध किया, ही इन टर्न वाज डिफीटेड ए बैटल फॉट एट बक्सर इन 1764, तो उन्होंने 1764 के अंदर बक्सर के युद्ध में भी मीर कासिम को हरा दिया। ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल, बंगाल से उसको निकाल दिया एंड मीर जाफर वाज री इंस्टॉल्ड, और मीर जाफर को दोबारा जो है वो गद्दी पर बिठा दिया। द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ, अब नवाब को हर महीने ₹5 लाख जो थे कंपनी को देने थे, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी, लेकिन कंपनी जो थी और पैसा चाहती थी टू फाइनेंस इट्स वार्स, अपने युद्धों का खर्चा निकालने के लिए कंपनी और चाहती थी। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, वो कहती थी कि जो व्यापार की हमारी मांगे हैं और दूसरे खर्चे हैं उनकी भी पूर्ति हो जाए, इसलिए कंपनी जो है 5 लाख से ज़्यादा पैसे चाहती थी। इट वांटेड मोर टेरिटरीज, और वो साम्राज्य का एरिया भी ज़्यादा चाहती थी एंड मोर रेवेन्यू, ज़्यादा राजस्व चाहती थी। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई 1765 में, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, तो कंपनी का इरादा जो था बदल गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पप्पड़ नवाब, जब वो पप्पड़ नवाब मीन्स के साथ काम करते हुए उस में फेल हो गई, क्लाइव डिक्लेयर्ड, तब क्लाइव ने ये घोषणा कर दी वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवरसेल्स, कि हम जो है खुद हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। फाइनली इन 1765
The Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. 1765 के अंत में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का जो है वो नियुक्त कर दिया, दीवान नियुक्त कर दिया उसको बंगाल प्रांत का. द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के जो बहुत ज्यादा राजस्व संसाधन थे उसके ऊपर कंट्रोल मिल गया था. दिस सॉल्व्ड ए मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड. कंपनी जो पहले एक मुश्किल का सामना कर रही थी वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी दीवानी मिलने के बाद. फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड. 18वीं सदी की शुरुआत में ही इंडिया के साथ उसका ट्रेड जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. तो कंपनी जो थी ब्रिटेन से सोना और चांदी के बदले ही जो थी वो वहां से सामान खरीदती थी इंडिया से. दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया. ये ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास इंडिया में सेल करने के लिए बेचने के लिए कोई सामान नहीं था. इसीलिए वो ब्रिटेन से सोना और चांदी के बदले जो थी इंडिया से सामान खरीदती थी. द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. प्लासी के युद्ध के बाद सोने का आना जो था ब्रिटेन से वो कम हो गया. एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी. और दीवानी मिलने के बाद तो सोना लाने की उनको जरूरत भी नहीं पड़ी. नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस. अब जो इंडिया से जो उनको रेवेन्यू कलेक्ट होता था उससे ही कंपनी के जो है वो खर्चे पूरे हो जाते थे. दीज रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क. ये जो राजस्व था उसी के पैसे से ही जो है कॉटन और सिल्क जो थी इंडिया की जो टेक्सटाइल इन इंडिया के अंदर बनती थी वो परचेज करती थी कंपनी. मेंटेन कंपनी ट्रूप्स. कंपनी अपने सैनिक खर्चे भी जो है वो रेवेन्यू से निकालती थी. एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता. और कलकत्ता में जो किले और दफ्तर का निर्माण की जो थे उसकी लागत भी जो थी वो भी वो उसी रेवेन्यू से ही जो है वो उठा सकती थी.